हाय एवरीवन, तो बज रहे हैं सुबह के 6। अच्छा, अपने ब्लॉग को शुरू करते हैं। एज यू कैन सी द मॉर्निंग वाइब्स ऑफ वाराणसी घाट्स, इट्स लिटरली अमेजिंग। आपको बहुत सुकून, बहुत शांति मिलेगी। आप सुबह सुबह यहाँ पे लोगों को देखोगे, लोग 6 बजे, 5 बजे इवन लोग आके स्नान कर रहे हैं, देन मंदिर जा रहे हैं। लिटरली डिफरेंट वाइब है। एंड अगर हम बात करें इस व्यू की, देन ये जस्ट एन अमेजिंग व्यू है। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये देख के, मतलब आराम से एकदम आप शांति से बैठे रहेंगे, आपको चिड़ियों की आवाज़, देन हल्की सी सनलाइट और ये चिड़ियों के चलना बहुत अच्छा लगने वाला है। आप ना इसी यहाँ पे अगर नमकीन टाइप्स कुछ फेंकेंगे ना, तो सारी चिड़ियाँ एक साथ आ जाती हैं खाने के लिए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब देख के आपको एकदम पूरा मन हल्का हो जाएगा, पूरा रिलैक्स हो जाएगा। और जी, इसकी तो आप बात ही नहीं कर सकते कि कितना अमेजिंग नज़ारा है ये, जो हमारे फोटो में आया, जो हमने कैमरे में कैप्चर कर रखा है। लिटरली अमेजिंग। मैंने थोड़े से नमकीन के दाने पे वो सारी चिड़ियाँ एक साथ आ रही हैं। देखिए कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है इनको देख के, बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसे ही हमने एक दो बार और ट्राई किया, देखिए कितनी सारी चिड़ियाँ एक साथ आ जा रही हैं। बेसिकली ये माइग्रेशन वाली बर्ड्स हैं जो दूसरे कॉन्टिनेंट से यहाँ पर आई हुई हैं। और सच्ची बहुत अमेजिंग व्यू है ये। एंड देन हम लोग गए उस पार, नदी के उस पार आए, और यहाँ पर लोगों की आस्था इतनी अच्छी है, मतलब लोग सुबह सुबह 6 बजे गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं, देन विश्वनाथ टेम्पल जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। लिटरली अमेजिंग वाइब है ये, वाइब्स आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत अमेजिंग नज़ारे हैं इसके। और उसके बाद मैंने कैमल राइड की, अच्छा लगा, बट डर भी लग रहा था, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। एंड देन अपन लोग जाते हैं यहाँ कुछ खाने के लिए। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फेमस साउथ इंडियन डिश है उत्तपम। एंड इसका बनाने का प्रोसेस बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है, इसमें बहुत सारे बटर डालते हैं। इसके बैटर पे देखिए, यहाँ पर ढेर सारी इस पर सैलेड डाल के, देन उसमें बटर डाल के उसको अच्छे से सेकते हैं, देन इट बिकम फ्लफी एंड ऑल्सो क्रंची। इसको बटर डाल के अच्छे से इसको बेक किया जा रहा है, मतलब अच्छे से इसको सेका जा रहा है। एंड उसके बाद ये देखिए, इसको अच्छे से पलट दिया जा रहा है, देन दूसरे साइड से भी इसको बेक किया जा रहा है। और इसका टेस्ट लिटरली अमेजिंग था। मैंने पहली बार साइड ट्राई किया, बट अच्छा लगा। इसको एक हरी चटनी के साथ सर्व करते हैं, वेरी टेस्टी। अगर आप बनारस जा रहे हैं तो ज़रूर खाएं, काफ़ी टेस्टी सर्व किया जाएगा। जैसे ही यहाँ पर इंजॉय करते रहिए, बनारस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू विज़िट। इस्पेशली ये घाट साइड आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और सुबह सुबह जाएं डिफरेंट ही वाइब्स है। सो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।